स्पाइस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की डिस्कशन हम इलेक्ट्रिक फ्लूइड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज, फील्ड का मतलब होता है स्पेस। ये चार्ज के अराउंड का जो स्पेस होता, मतलब एक चार्ज होगा, ठीक है, उसके अराउंड में एक स्पेस होगा, ठीक है, जहां पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस्ड करने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे। अब बात करिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बेसिकली टेस्ट चार्ज से बोलते हैं, इसी को हम बेसिकली टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, और इसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता क्या है, एक बेसिक हमारे चार्ज है, उसके अराउंड में एक रीजन होगा, ठीक है, एक रीजन होगा जहां पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करोगे तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर से क्लास के अंदर आता है तो उस पर या तो अंदर आने की परमिशन मिलती है या फिर बोल देते टीचर नहीं नहीं तो बाहर जाओ, तो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। यानी अगर अंदर आने के लिए बोल देंगे टीचर तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अगर बोल देंगे नहीं नहीं आप बाहर जाइए तो उसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, बेसिकली एक रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन होता है चार्ज के सराउंडिंग में, एक रीजन होता है जहां पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करें, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बेसिकली डेफिनेशन ऐसे ही होता है, और आप मतलब इसका फॉर्मूला भी होता है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये क्या होता है हमारा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख ले पहले, ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके यूनिट्स की बात कर लें, ठीक है, यूनिट्स, यूनिट की बात कर लें तो इसकी जो यूनिट होती है, पहले तो इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालें तो इज इक्वल्स टू एफ वन क्यू नॉट से देखेंगे, फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलाम, यानी इसे न्यूटन पर कूलाम बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम बोलते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स, एक ये होता है। एक दूसरी इसकी और यूनिट होती है, अगर कहीं भी यूनिट ये ना दिया हो तो आपको ये जरूर देगा वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो पोटेंशियल वाला आएगा उसमें रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, तो ये आएगा, ये बेसिकली यूनिट्स आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अब इसके डायमेंशन की बात करें, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो यहां पर इसका ये क्या होता है, बेसिकली अगर इसका फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो एम एल टी माइनस टू, और चार्ज की बात करें चार्ज, ठीक है, चार्ज का क्या होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा, यानी आई टी, ठीक। अब एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, और करंट का क्या, करंट का क्या होता है एम्पियर, एंड टाइम का टाइम ही रहेगा, ठीक, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, क्योंकि ये प्लस वन है ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो
माइनस बी एंड ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हो गया, चलो एक बार फिर से इसको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो चीजों से मिलकर बना है, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो इलेक्ट्रिक का मीन्स होता है चार्ज एंड फील्ड का मीन्स होता है स्पेस, ठीक है। चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जहां पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज को प्लेस करने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है E=F1Q0, ठीक है। एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज, चार्ज बोल सकते हैं आप। अब इसकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी चीजें और देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, यानी इसको हम अगर सिंपल दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है तो सिंपल हम उसको ऐड नहीं कर सकते, पहले उसमें वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है न्यूटन पर कूलम, या दूसरी बात करें तो वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमने देख लिया, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ ए वाटर ड्रॉप मास 10^-3 kg एंड हैविंग चार्ज सिग्मा, ठीक है। तो इसको हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई वाटर ड्रॉप रुका हुआ है, ठीक है, तो उसकी अगर उस पर क्या एक वेट लगेगा मास की वजह, मतलब उस पर एक वेट लगेगा, उसके मास होने की वजह से उस पर एक वेट लगेगा, डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड फोर्स में बोलते हैं mg, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब कम से कम अगर वो नीचे, अगर उसका फोर्स नीचे लग रहा है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा जो दोनों को बैलेंस किए रहेगा, तभी तो वो सपोर्टेड रहेगा वाटर ड्रॉप। क्वेश्चन को समझिए पहले, अगर कोई फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नीचे लग रहा है उसके अगर अपोजिट में कोई फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, अगर कोई फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट में कोई फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस किए रहेंगे, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब दोनों को आपस में बैलेंस कर दो, यानी FE=mg, ठीक है। एफ ई की वैल्यू की बात करें तो यहां से हम देखेंगे E=F/Q0, तो F=E×Q कर सकते हैं, तो Q×E कर देते हैं, ठीक है, =mg। अब इलेक्ट्रिक फील्ड =mg/Q, मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 10^-3 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, बट हम उसको 10 कंसीडर करते हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो गया, अपॉन चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर गिवन 1.6×10^-19 कूलम, यूनिट यहाँ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10^-2, ठीक है, अपॉन 1.6×, यहाँ 1 कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, 10^-19। अब 1×10^-2+19, क्योंकि ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, अपॉन 1.6, ठीक। अब ये वैल्यू जो आएगी 10^18 अपॉन 1.6, इसको ऐसे कर सकते हैं 18 नहीं रहेगा, 17 होगा, भाई मैं कह रहा हूँ गलत कहूँगा, 17, 10^10, ठीक, यहाँ 16 हो जाएगा, 10×10^16 हो जाएगा अपॉन 1.6। इसको थोड़े से सॉल्व करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लें, या फिर ऊपर नीचे फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 हो जाएगा, 16×10^16, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 16 और 16 6 96 हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल आ जाएगा, 16×32 32 8 0 आ जाएगा, 16×5 80, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी
वो 6.125 इंटू 10 to the power प्लस में 16 न्यूटन पर कूलम में ले लो, न्यूटन पर कूलम इसकी आंसर ही आएगी। ठीक है, अब बेसिकली बात करें दूसरे टॉपिक की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब एक पॉइंट पी पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पी पे हमारे पास एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया जा रहा है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बात करें इसके बीच में तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे लगेगी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमारे के पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये भी चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये तो पॉजिटिव है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा यानी एफ। तो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। E स्क्वायर टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यहाँ टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट लिया हूँ इस वजह से क्यू नॉट यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये क्यू नॉट हो गया। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा क्यू नॉट से। फाइनली वैल्यू के आंसर, फाइनली जो आंसर आएगा ये 1/4πε0। ठीक है, 4πε0 2/r2 इसके ये आंसर आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आएगा ये आएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड 20 × 10⁻¹⁹ कूलम आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मान लेते हैं एक ये चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट बी पे चार्ज है वाला प्रेजेंट है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको लिख भी देते हैं 5 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड 20 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जहां पर हम यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो ऐसा पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। तो हम पॉइंट्स कंसीडर कर लें, पॉइंट सी यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये मान लें, ये भी मान लें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन According to क्वेश्चन क्या होगा, ये जो होगा वो ईवी के इक्वल होगा, ये जो होगा ईवी के इक्वल होगा। तो ठीक, 1/4πε0 क्यू क्यू वन कर दें और 5 × 10⁻¹⁹
अपॉन माने तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, जो डिस्टेंस है ये टू माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा डिस्टेंस टू है और इतना थोड़ा सा हमने एक्स ले लिया, तो जो बचा होगा वो टू माइनस एक्स कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन अपॉन टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइव वन जाए फाइव, फाइव फोर जाए ट्वेंटी। अब हमने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर अपॉन टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन टू माइनस एक्स हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो टू माइनस एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, ये एक्स इधर जाएगा तो थ्री एक्स इक्वल्स टू टू, थ्री एक्स इक्वल्स टू टू बाई थ्री मीटर। यानी जो एक्स डिस्टेंस है, यानी पॉइंट्स ए से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो टू बाई थ्री मीटर के ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम और देख लेते हैं स्क्वायर वाला। जैसे पिछले ये क्वेश्चन बेसिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ वाले होते हैं वैसे ही क्वेश्चन एज इट इज होते हैं इस टॉपिक के भी। ठीक, हम क्या कर लिए, एक स्क्वायर ले लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, इसको पॉइंट ए मानते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा शेप में डिफरेंस होगा, बट ये स्क्वायर ही है। तो हम यहाँ पॉइंट ओ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है, यहाँ माइनस क्यों चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ भी माइनस क्यों चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो होगा ये इधर होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ठीक है, तो ई हो जाएगा इधर। अब ये जो इधर होगा वो ई डी हो जाएगा, फिर इधर ही होगा ए सी, क्योंकि निगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ए सी ये भी पॉजिटिव निगेटिव की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ई डी। अब एक चीज देख लें, पहले हम ये डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस आपस में सिमिलर हैं, इक्वल हैं। ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड हमारी ए है, ठीक है, साइड हमारी ए दी हुई है, अगर ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लूँ तो हमें मतलब डिस्टेंस तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हम ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल में मुझे ये वाला इतना डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ये डिस्टेंस कितना है और साइड हमें ए दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमारे पास आया रूट टू ए। अब हमें इतना सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इतना सा, तो इसको टू दो से डिवाइड कर देंगे, तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, रूट से नीचे ऊपर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर कोई भी ऊपर में रूट हो या फिर नीचे में अगर कोई कांस्टेंट मतलब टू हो या थ्री हो, ऐसे अगर नंबर दिए हो तो मतलब उसको क्या करेंगे कि रूट, हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे रूट जो है वो डिनोमिनेटर में ही आ जाए, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो रूट से मल्टीप्लाई होगा तो टू ए अपॉन टू रूट टू हो जाएगा। ठीक है, टू टू कैंसिल, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ए हो जाएगा, बी और ये सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में सिमिलर होंगी, ये हम नहीं देख रहे हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव लगेगा, कौन सा रिपल्सिव है, बट ये है कि सबकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपस में सिमिलर ही होंगी, क्योंकि चार्ज सिमिलर दिए हुए हैं और डिस्टेंस भी सिमिलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमिलर ही होगा। अब
इक्वल्स टू ईडी, ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे, अब ईए को निकाल लेते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में ए बाई रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। ए भी उसी डायरेक्शन में, ए सी उसी डायरेक्शन में, तो क्या दोनों सिंपली ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालें ए सी का, ई ए सी का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू टाइम आप कर सकते हैं ना। अगर दोनों को दो बार, मतलब ये ई ए और ई सी की वैल्यू सिमिलर है तो हम इसको टू टाइम कर सकते हैं। तो टू टाइम ऑफ वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे ही कर रहे थे टू इंटू ए। अब ये भी डी एंड बी भी सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी एंड बी जो होगा वो टू इंटू यही होगा वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं टू इंटू ए, ठीक। अब इधर के साइड में रफ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पूरा जो होगा वो 360 होता है, तो इतना जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे ऐसे, ये ई ए सी का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बी डी का स्क्वायर, डी बी खुले रहते हैं, डी बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ई ए सी इंटू ई डी बी इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री कर लीजिए, ठीक। करेंगे कैसे, अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो टू ई ए का होल स्क्वायर प्लस टू ई ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ई ए, क्योंकि आपस में ई ए इक्वल है ना, ई ए इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू से हमको लेना ही नहीं है, ये वैल्यू सीट हो जाएगी, ठीक। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो फोर ई ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, तो फोर फोर एट ई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर को एट को कैसे ले सकते हैं, एट को फोर इंटू टू, फोर को करेंगे तो टू रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये टू रूट टू ई ए स्क्वायर में है तो इसका भी रूट करेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक। अब टू रूट टू इंटू फोर एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। अब टू रूट टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई ए स्क्वायर बाई टू, ये ऊपर जाएगा तो फोर रूट टू हो जाएगा इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई ए स्क्वायर। फाइनली इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा, इसको डायरेक्शन में देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। बेसिकली हमारे पास नया टॉपिक है, ठीक है। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक लीनियर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से, डेंसिटी से होता है रो, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, एक वायर है, मान लेते हैं वायर है, सही से बना नहीं है, एक वायर है, ठीक है, ये L लेंथ की वायर है, ठीक। अब इसके सरफेस पे, इसके पूरे पूरे लेंथ पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पे सरफेस पे, पूरे लाइन पे जो है, पूरे वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ भी बात कर लें अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे कि हमें चार्ज चाहिए, ठीक है। अब इसके ये फोर्स इसके अलोंग भी लगेगा, इसके अलोंग भी लगेगा, इसके अलोंग भी लगेगा, इसके 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 इसके, तो हम ऐसा करेंगे नहीं। इसको करने के लिए एक चीज़ देखेंगे कि हम छोटा सा लेंथ ले लेंगे, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ छोटा सा डी एल एलिमेंट ले लेंगे, डी एल छोटा सा लेंथ ले लिया, डी रिप्रेजेंट करता है बहुत स्मॉल, ठीक है, छोटा सा लेंथ ले लिया तो छोटे से लेंथ में चार्ज कितना होगा डी क्यू। अब देखिए ये लैम्डा स्क्वायर टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, जो चार्ज प्रेजेंट होता है उतने लेंथ में, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट जो होता है जितने लेंथ में वो होता है लैम्डा, ठीक है। अब बेसिकली बात करें इसके बीच में अगर फोर्स निकालें तो हमें हमें एक चीज तो पता है कि हमें छोटा सा डी क्यू चार्ज मिल गया, ठीक है। अब फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब चार्ज डी क्यू है तो फोर्स भी डी क्यू छोटा सा ही लगेगा, ठीक। तो डी एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते आर है, ठीक है, आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू डी क्यू की वैल्यू डी क्यू निकालना चाहें तो लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। अब टोटल निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी एफ को क्या इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ इसकी लेंथ एल है तो जीरो से एल तक, ठीक है, जीरो से एल तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कांस्टेंट, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन करते हैं वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं, ठीक है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर जीरो से एल तक करेंगे डी एल, ठीक है, डी एल लैम्डा जीरो से एल तक करेंगे, समझ में आ गई। अब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बेसिकली अगर एक समझ में आ गया होगा तो पूरा ही आ जाएगा कि इसमें कुछ इस टॉपिक में कुछ है नहीं वैसे। अब दूसरी बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सरफेस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, ठीक है। अभी हम चार्ज ले रहे हैं क्यू नॉट यहाँ, ठीक। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब बात करें इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू
डीएस अपॉन सॉरी डी क्यू बाई डी एस होता है, ठीक है। अब पूरे सरफेस पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हमें छोटा सा चाहिए, छोटा सा हमने सरफेस ले लिया डीएस एरिया, डीएस सरफेस में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा डी, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स भी छोटा ही होगा, डी एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। अब इसको एफ निकालेंगे, जब एफ निकालेंगे तो डी एफ को इंटीग्रेट, डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जीरो से एस तक, ठीक, जीरो से होकर उसका सरफेस एरिया तक हम उसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जीरो से एस तक इंटीग्रेट करेंगे जब, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। अभी तो इसको लिखना पड़ेगा एक बार, जीरो से एस तक वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू डी क्यू करेंगे सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर जीरो से एस तक इसको कर रहे हैं डी एस को, ये बेसिकली इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, फोर्थ थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें। हमने क्यू ले लिया, ठीक है, हमने क्यूब ले लिया, ठीक है, हमने एक क्यूब ले लिया। अब इसके पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने छोटा सा यहाँ से छोटा सा वॉल्यूम का एक क्यूब ले लिया, ठीक है, छोटा सा मान लेते इसका वॉल्यूम जो होगा वो डी वी होगा, इसमें चार्ज प्रेजेंट कितना होगा डी टू, ना क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है, दोनों के बीच में सेपरेशन आर डिस्टेंस है, तो फोर्स भी स्मॉल सा ही लगेगा। तो डी एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। तो अगर बात करें फोर्स की, तो एफ इक्वल टू जीरो से इसका, इसको हम बेसिकली रो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से रो मान ली है उसकी, ठीक है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, ये क्या होता है रो स्क्वायर टू, रो स्क्वायर टू डी क्यू बाई डी वी, ठीक है, वॉल्यूम ले डी वी, यहाँ से कहोगे वॉल्यूम तक इंटीग्रेट करेंगे और वी तक, ठीक है, जीरो से वी तक, और क्या होगा इसको डी क्यू कैलकुलेट करें यहाँ से, तो रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर जीरो से वी तक डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट का लेक्चर, जो नेक्स्ट बचा हुआ टॉपिक है उसको कल कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अभी जो टॉपिक्स बचे हुए कल जो डिस्कस करेंगे, किसी रिंग के अलॉन्ग एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो, और डाइपोल्स के बारे में भी कल बताएंगे, डाइपोल्स के बारे में और एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट अगर होगा तो डेरिवेशन तो पूरा ही करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, एक एक डेरिवेशन मैं करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।